नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के के तीन उछालों में एकांत रत चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब सिक्के को तीन बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम हो सकते हैं, हो सकता है पहले हेड हेड आया हो पहली दो बार और फिर टेल आया हो, या हेड टेल हेड आया हो या टेल हेड हेड, इसी प्रकार अन्य जो मान लिखे हुए हैं। तो कुल संभव परिणाम बराबर 8 होते हैं। अब एकांत रतचित या पट आने की स्थितियाँ देखनी है, तो हमारे पास दो ही स्थितियाँ हैं जिसमें एकांत रतचित या पट आ रहे हैं, एक तो HTH और एक THT। एकांत रत का मतलब है एक छोड़कर एक, तो हमारे पास अनुकूल स्थितियाँ हो गई दो, तो इसलिए प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल परिणाम, यानी कि 2/8 या 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयली वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आयली वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आयली वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसको 7 से भाग देने पर हमें 52 सप्ताह प्राप्त होते हैं और एक दिन शेष बचता है। चूँकि 52 सप्ताह तो आ रहे हैं, तो इन 52 सप्ताहों में तो प्रत्येक बार 52 बार आएगा ही आएगा, इसलिए रविवार भी 52 बार आएगा। जो एक दिन बच रहा है वो इनमें से एक हो सकता है, या तो वो सोमवार होगा या मंगलवार या बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार या रविवार भी हो सकता है, लेकिन हमें जो प्रायिकता देखनी है वो रविवार केवल 52 ही आने चाहिए। तो ऑलरेडी 52 सप्ताह के अंदर 52 रविवार आ चुके हैं, इसलिए जो एक दिन बचेगा वो हमें रविवार नहीं चाहिए। तो रविवार नहीं चाहिए तो हमें बाकी 6 दिन चाहिए, तो इसलिए हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम हो गए 7, इसलिए प्रायिकता हो गई 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है। तो हम जानते हैं कि हमें यदि होने की प्रायिकता पता हो तो उसे एक में से घटाने पर नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाती है, तो पी ए यहाँ होने की प्रायिकता है और पी ए बार नहीं होने की, तो पी ए बार बराबर 1-PA, यानी एक में से होने की प्रायिकता घटा देंगे तो 1-0.65, तो उत्तर आ जाएगा 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है अधिक से अधिक, इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक एक तो आए और कम से कम 0 भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सिक्के को उछालने पर या तो चित आता है या पट आता है। चित को हम हमेशा एच से लिखते हैं और पट को टी से। तो सिक्कों को उछालने पर जो कुल स्थितियां बनती है वो ये है कि या तो दोनों बार हेड हेड आया हो, या एक बार हेड और एक बार टेल, या टेल या हेड, या फिर दोनों बार टेल टेल आया हो, यानी कुल स्थितियां 4 बन रही है। परंतु हमें यहाँ अधिक से अधिक एक पट लेना है, तो एक पट एक से कम भी हो सकता है और एक पट भी हो, तो ऐसी 3 स्थितियाँ बनती है। कब? जब दोनों बार हेड आया हो तो इसमें कोई पट नहीं है, और एक बार हेड टेल आया हो और एक बार टेल हेड, तो अनुकूल स्थितियाँ हमारे पास 3 हो गई, और इसलिए जो प्रायिकता होगी वो अनुकूल स्थितियाँ 1/2 कुल स्थितियाँ, तो 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो पत्ता ए लाल रंग का गुलाम होगा, बी लाल रंग का पत्ता होगा, सी पान का इक्का होगा, डी ईंट की बेगम होगी, ई हुकुम का पत्ता होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि हमारे पास ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो ए लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता देखते हैं। लाल रंग के गुलाम के पत्तों की संख्या 2 होती है, तो अतः लाल रंग के गुलाम के पत्तों की प्रायिकता हो जाएगी 2/52 या 1/26। नेक्स्ट है, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चूँकि लाल रंग के कुल पत्ते हमारे पास 26 होते हैं, अतः लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता हो जाएगी 26/52, यानी कि 1/2।
अगले में हमें पान का इक्के की प्रख्यता निकालनी है। चूंकि पूरी ताश में पान के इक्कों की संख्या एक होती है, अतः पान के इक्कों की प्रख्यता बराबर 1/52। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि सभी प्रश्नों में अनुकूल स्थितियाँ ऊपर रखी गई है और कुल स्थितियाँ नीचे रखी गई है। नेक्स्ट है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम की संख्या भी एक होती है, तो ईंट की बेगम की संख्या की प्रख्यता हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट में हमें हुक्म के पत्ते की प्रख्यता ज्ञात करनी है। चूंकि ताश के पत्तों में हर पत्ते का एक एक हुक्म का पत्ता होता है, इसलिए ये कुल अनुकूल स्थितियां 13 हो जाएंगी। तो हुक्म के पत्ते की प्रख्यता 13/52 यानी कि 1/4 हो जाएगी।